अभी तक पैर दुख रहा है इतना नाचा। अच्छा। इतने बजे तक जागे, ये शोज हुए, वो शोज हुए, टू गेट टू डू दैट। 12th क्लास के 11th क्लास के जितने बच्चे होते हैं हर चीज को एंजॉय करो। लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। सो गाइस, फाइनली आफ्टर सो मच वेट एंड सो मच लॉकडाउन 2022 में एपोजी हुआ, जो कि बिट्स पिलानी का टेक्निकल फेस्ट है। उसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये वीडियो क्या है, ये वीडियो एक रिव्यू टाइप का है। मैंने उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था कि उनको कैसा लगा इतने टाइम बाद उनके कॉलेज में, उनके मतलब मेरा भी वही कॉलेज है, हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ और इतने अच्छे लेवल पे फेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स के अलावा मैंने कुछ और लोगों का भी इसमें इंटरव्यू लिया है, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो था टेक्निकल फेस्ट, बट एक कल्चरल फेस्ट से रिलेटेड मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, तो वो मैं करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। सो इफ यू वॉन्ट टू हियर द अनाउंसमेंट, वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो, कैसे हो? हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया, आई एम ग्रेट, यू टेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन, थर्ड ईयर। मैं अनमोल कौशिक हूँ। दिवी। मनीषा। गरिमा। आई एम आर्या ठिपसे। नितिश पारेख। आई एम फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर, मी टू। अच्छा, ओके, सो बैच इजी है मतलब। सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब दो साल बाद आपको मौका मिला यू नो अटेंड करने का? अरे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यार, मजा आ गया, मतलब क्या बताऊँ यार, एकदम फुल फन हो गया लाइफ का। और हमारा सेक्रेटरी था सुशांत, एकदम मस्त हो रहा है अभी तो, मजे में है। ऑडिफोर्स में काम, ऑडिफोर्स डिपार्टमेंट है मेरा, उसमें थोड़ा काम था, बट ऐसा है कि जब पूरा क्राउड हमने मैनेज किया तो बढ़िया नींद भी लेते थे कि यार बढ़िया शो करवा दिया हमने, मज़ा आ गया। मैंने सोचा नहीं था अपोजी में इतनी सारी चीज़ें होंगी, एक्चुअली थोड़ा सा ग्रैंड हुआ है एंड इट फेल्ट गुड। सीनियर्स जूनियर्स का इंटरेक्शन चल रहा है, फेस्ट हो रहा है, शो चल रहा है, इट वॉज वेरी नाइस एक्चुअली। Much better than I expected it to be. This was our first fest, yeah. Being in second year, it was damn fun. Seeing all these stories that you hear from seniors, ki itne baje tak jaage, ye shows hue, wo shows hue, to get to do that, to get to see your friends work for the first time and probably the last time ever, it's fun. I mean, he's in PCRA. मेरे department ने फोड़ा, लोग आए, काफी सारे लोग आए. This was the second highest raise of all time. फोड़ा हमने, बाकी रेकना खागा. I'm from reception and accommodation. We were told by PCR that 600 people are coming. The first day of the fest we did, we got new mattresses and everything, but only 300 turned up. So this is PCR. That was the first day, na? Second day more people. Are you really peeping? So यहाँ पर अभी दंगे होने वाले हैं। Favorite event पूछा जाए तो वो कौन सा था? आपसे हम पहले भी मिले थे उस वाले वीडियो में, है ना, उस पर अभी 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। आपका फेवरेट इवेंट कौन सा था? मैं डांस करना बहुत पसंद करती हूँ, तो आई वुड ऑलवेज चूज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू डांस। तो मुझे सनबर्न इवेंट जो था आपका, प्रॉफ शो जो था, हुआ था, आई रियली लाइक इट, आई लव्ड इट एक्चुअली। एंड द फैक्ट इज कि हमारे सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, तो फिर और ज्यादा फन आया। ऑब्वियसली N2 है यार, हंसना किसको पसंद नहीं है, तो मजा आया यार। प्रत्युष चौबे वाज ओवर एक्सेप्शनल। बेस्ट एक्सपीरियंस, लॉस्ट स्टोरी, अभी तक पैर दुख रहा है इतना नाचा। अच्छा, ओके। अरे मस्त, एकदम मस्त। सही सही, एकदम मस्त भाई। फेवरेट इवेंट लॉस्ट स्टोरीज। काफी लोग बोल रहे हैं यार कि EDM, लॉस्ट स्टोरी, सनबर्न, वो एक ही था। मैं बता दूं आपको, काफी लोगों को अच्छा लगा, इसमें नाचने को मिला सबको, है ना, वो सब। इनफॉर्मल ट्रेजर हंट काफी ज्यादा बाकियों से बेटर था। ट्रेजर हंट ना, क्योंकि म्यूजिक से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं, तो व्हेन चाय मेट टोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक N2O एंड आल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन पोएट्री क्लब का स्लैम पोएट्री, cuz I otherwise would have never gotten the opportunity to attend a poetry event, but because my friends are in poetry club, so they were like aa jao, and it was really really fun. Wo bhi kafi sahi hai ki tumko koi naya interest dikh paye ki acha mujhe isme bhi maza, otherwise I don't think I would have ever like paid for a slam poetry event. Like N2O just shows ke liye you pay, sunburns ke liye you pay, but this was fun for me. Jaise ye jo stash tha to usme sab log ne apne faces paint kiye the, to usme bahut maza aaya tha. एक यहाँ पे मोमो चैलेंज वगैरह करके हुआ था, उसमें बहुत मजा आया था। मुझे बेर ऑफ बिट्स बहुत पसंद आया। okay, okay. और मुझे रोमनिस का पिज्जा बहुत पसंद आया। भाई मुझे तो इनोग वाले दिन सबसे ज्यादा मजा आया, जो DC ने माहौल बना दिया ना वहाँ पे, भाई DC वाले एक बार तुम्हारे लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। इतनी खुशी मुझे। तो भैया ये आपका फर्स्ट टाइम था बिट्स में या फिर आप पहले भी आए हो? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं आता रहता हूँ वहाँ पे। कैसा रहा आपका पूरे 4 दिन के दौरान ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा? एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि आपके बीच में रहने पे यहाँ मेरे को किसी का याद नहीं आता, बस मगन ही मगन हो जाते हैं। आपने इतना हमको प्यार दिया कि हमारे से संभाला नहीं जाता है। कुछ सुनाना चाहोगे? गाना सुना सकते हो आप? आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राजे पापा सबके सामने बताऊंगा, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने
प्यार की सरगम लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। बहुत ही शानदार भैया, बहुत मजा आया एकदम। लाइन में आप सुनना चाहते थे एक शिव डमरू बजाए, शिव डमरू बजाए, यंग बसम लगाए, शिव डमरू बजाए, यंग बसम लगाए और ध्यान लगाए किसका न जाने डमरू वाला, न जाने डमरू वाला। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर, आपसे मिलके बहुत बहुत दिल खुश हो गया। गार्डन गार्डन बिट्स में पहले भी आए हो या ये आपका फर्स्ट टाइम? पहले आए हो? अच्छा, चार बार आए हैं इस बार स्पेसिफिकली, बहुत टाइम बाद क्योंकि लॉकडाउन के बाद। मजा आया भैया, मजा आया जी। अच्छा, तो यहाँ की कोई ऐसी बात बिट्स की जो और जगह से अलग लगी आपको? मे भी सर, मिल बांट के रहने वाले इंसान है यहाँ पे, कोई ज्यादा एटीट्यूड किसी भी नहीं है सर, तो सब फ्रेंकली रहने वाले हैं सर। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? ओके भैया, कुछ और अगर ऑडियंस को बोलना चाहो या फिर यू नो अपना एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर, जरूरी नहीं एपोजी से ही रिलेटेड, मे भी कुछ कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, या क्योंकि तुम्हारा सेंटी सेम है, लास्ट सेम है। कॉलेज लाइफ भाई मतलब खुल के जियो यार, मतलब बस एंजॉय करना भाई। सॉर्ट ऑफ सेंटी सेम और बाकी पूरी कॉलेज लाइफ कंपेयर करें तो सेंटी सेम उनको ओवर पावर कर देता है। अच्छा, फाइनल ईयर इज द आइडियल ईयर यार, मजा ही आ गया यार, पूरे 3 साल का मजा ले लिया यार लास्ट ईयर में। बेस्ट फेस्ट पूरे अच्छे से एंजॉय करने चाहिए क्योंकि यही टाइम है आपको सब कुछ करने को मिलता है और अपनी बाउंड्रीज पुश करने को मिलता है। प्लीज कम टू अपोजी, अपोजी इज एन अमेजिंग फेस्ट, बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अपने जूनियर्स को बताया करो। No wonder he's in PGCR. मतलब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो लोग सब एक माइंड सेट लेके आते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें जॉब चाहिए, वो एक होता है, बट ये एक जो एक्सपीरियंस होता है बीट फेस्ट या फिर जो इवेंट्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस होता है, ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हमसे यहाँ पे फेस्ट नहीं हुआ, तो सब लोग एक चीज़ मिस कर रहे थे कि कॉलेज लाइफ में सब पढ़ रहे हैं, जॉब भी लग रही है, प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं, बट फेस्ट नहीं हो रहा, तो दैट वॉज अ मिसिंग, लाइक एक होता है ना पजल का मिसिंग पीस था। 12th क्लास के 11th क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक अलग से सेगमेंट होता है आपकी लाइफ में जो आपकी आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है आपकी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ करो अच्छे से एंड पढ़ाई तो हो ही जाती है। थैंक्स मैन, थैंक्स, इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिव फॉर मी। आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट दिस फेस्ट टू कीप हैपनिंग, लाइक आई वॉन्ट सी ओएसएस, आई वॉन्ट सी बॉसम, आई जस्ट वॉन्ट कीप एंजॉइंग दिस फेस्ट। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू यू नो से टू योर जूनियर्स मे बी और जो लोग बिट्स आना चाह रहे हैं, वट एवर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and have fun. Yeah, go to all the shows and have fun. That's it. Definitely. नहीं तो वो regret सा रह जाता है, यार यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, है ना? यहाँ पर सब कुछ student organize करते हैं और बहुत बड़े level पे करते हैं, और वो students भी मतलब अभी 19-20 साल के बच्चे ही हैं, काइंड ऑफ ऐसा ऑर्गेनाइज कर पाना इट्स लाइक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और बच्चों को भी बहुत कुछ मिलता है सीखने को, और हमें भी उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको देख के, है ना? आज है 19 नवंबर और अभी मैं हूँ पिलानी में। पिलानी में क्यों आया हूँ? यहाँ मैं आया हूँ बिट्स पिलानी का कल्चरल फेस्ट अटेंड करने, दैट इज ओएसएस, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। आर्टिस्ट लाइक अमित त्रिवेदी, समय रैना एंड यूट्यूबर्स लाइक द तबला गाय, स्टूडेंटो, रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली, यथार्थ गैरोला, अमृत सक्सेना, है ना? मेरा नाम लिया क्या? हाँ यार, तुम्हारा नाम लिया तो बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। तो मैं बढ़िया, अंबुज बहुत बढ़िया, और अभी हम ओएसएस अटेंड करेंगे तो दोनों बहुत बढ़िया हो जाएंगे। एंड 19 से 23 नवंबर ये होने वाला है, इसका वीडियो रिलीज होगा 4 दिसंबर को पहला पार्ट, 11 दिसंबर को सेकंड पार्ट, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहोगे मिस आउट मत करना उसको, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फिर आपकी फीड में वो आ जाएगा, और अगर आपको सबसे पहले वो देखना है तो आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं ताकि तुरंत से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। 27 नवंबर को अंबुज और मेरा पॉडकास्ट आएगा, तो आई गेस मोर देन 1 ईयर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइनली आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं 27 को, बट आज आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आज आएगा नहीं, आ जाएगा। ओके ओके, तो मिलता हूँ आपसे अगली बार नेक्स्ट संडे अंबुज वाले पॉडकास्ट में, तब तक लिए keep 100% in whatever you do, be happy, make others happy and smile.